नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं ईटी न्यूज भारत। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। खबर यूपी के जालौन। खबर जालौन से है, जहां थर्ड जेंडर कहलाए जाने वाला किन्नर समाज आज भी अपने हकों के लिए संघर्ष कर रहा है। किन्नर समाज की इतनी सी मांग है कि वो मुख्यधारा से जुड़कर रहना चाहते हैं। वे समाज में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, देश के विकास में भी योगदान करना चाहते हैं। समाज में उनके लिए जो धारणा बनी हुई है वह जस की तस से विद्यमान है, तभी तो उनका यथार्थ अंधेरे से घिरा हुआ दिखाई देता है, जिसे उजाले में लाने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। बता दें कि जालौन के मुख्यालय उरई में रहने वाले किन्नर समाज के उस्ताद दिव्यक नायक ने हमारे संवाददाता से जो बात की है, अपना दर्द दिखाया है, वो एक नजर देख लेते हैं। कहते हैं कि दुनिया में अगर लोग दुआएं देते हैं तो वो लोग एक समाज है जो लोगों को दुआएं देते हैं ताकि लोग सक्सेस हो, कामयाब हो, लेकिन उनके लिए लोग क्या देते हैं ये एक सोचने वाली बात है। हालांकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी लोगों को दुआएं दी है और कहा कि आने वाले समय पर हमारा देश कामयाब होगा। इसके लिए आज हम मौजूद हैं। दिव्या जी जो है स्टेशन रोड उरई पर उनका स्थित है, उनका मकान है, और आज उनसे बातचीत मालूम करेंगे कि उनके किन किन चीज़ों से परेशानी से गुजरना पड़ता है और क्या उनके लिए सरकार करती है। जी दिव्या जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार सभी देशवासियों को और सभी को, हम सभी किन्नरों की तरफ से हार्दिक शुभकामना। नौ अभी कितने वर्षों से आप यहाँ पे ज़िले में हैं? ऐसा तो मैं 20-25 साल हो गए। पहली हमारे दो गद्दी हैं यहाँ पर, एक पप्पू हाजी जी का है जो मेरी गुरुजी हैं वो भी, और उन्होंने फिर मुझे यहाँ बिठाए, ये दो दूसरी गद्दी है जी। अच्छा, अभी 25 सालों में कौन कौन सी परेशानी गुजरना पड़ता है, किस तरीके से आप अपने आप को स्टेबल कर? अब इस ये तो बहुत हम लोग को गुजरना पड़ा है हर चीज़ से। अगर हम लोग कहीं गाड़ी में भी बैठ जाते हैं तो लोगों का ऐसा रवैया होता है कि अजब नज़र से देखना, तो इसी वजह से हम लोग उस चीज़ से दूर रहते हैं। जहां 10 रुपये का ऑटो में 10 रुपये लेके जाते हैं पैसेंजर लोग, हम लोग उसको 100 रुपये दे के बुक करके जाते हैं अकेले। आपका भेदभाव होता है जी। अच्छा, आप लोगों को इतनी दुआएं देते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, इसके बाद भी लोग भेदभाव क्यों करते हैं? अब ये तो ऊपर वाला जाने, और लोगों के मन के भावना को हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग तो जितने सकते कोशिश करते हैं हर लोगों से अच्छी तरह से बात करना, और जैसा बधाई उधाई में भी जाएँ तो हम अपने शिष्य जितने भी हैं उनको यही बताते हैं, जैसे लोग हैं वैसी तरह से लेना, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से कुछ नहीं, और अगर किसी के पास नहीं है, गरीब है, तो उनको कह देना कि हमारे पास गोदा आए लेके जाए। तमाम तरीके के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें आप भाग लेते हैं, तो कौन कौन से ऐसे धार्मिक कार्यक्रम जिसमें आप भाग लेते हैं? जैसा अपना दुर्गा पूजा है, यहाँ सिंधी पंजाबियों का इधर होते हैं, तो उसमें भी मैं भाग लेती हूँ और जितना हो सके करती हूँ। जैसा बेरी वाला बाबा है, और उसके बाद खुद मेरी ताजिया भी उठती है, क्योंकि मेरा परंपरा है मेरे बुजुर्गों से, तो ताजिया उठती है तो ताजिया भी करते हैं। हर मतलब सातों धर्म, सातों प्रकार के हम हर चीज़ मांगते हैं। आप लोगों के साथ रहते हैं, मदद करते हैं, सरकार आप क्या मदद करती है? सरकार से तो अभी तक तो हम लोग कोई मदद मिली नहीं है। हाँ जी, अब हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं। हाँ, सरकार ने किया भी है, सुनने में तो आया है कि बराबर का दर्जा दे दिया, सम्मान दे दिया, यही हम लोग के लिए बहुत है ना। और फिर और कोई भी चीज़ जैसा आधार कार्ड और बैंक में और कोई भी चंद निवास प्रमाण पत्र और जैसा कोई ये मतलब सरकारी जो भी योजना है उसके लिए भी हम लोग जाते हैं, तो जल्दी इतना जल्दी हम लोगों का सुनवाई नहीं होता। हम लोग बहुत लोगों को पकड़ना पड़ते हैं इस चीज़ के लिए कि आप चलिए हमारे साथ में, शायद हो जाए हमारे काम, आप चलिए हमारे साथ में, ऐसी इसी तरह से हम लोग सभी को करना पड़ता है। अच्छा, आर्थिक तौर पे क्या मदद चाहते हैं आप सरकार से, कि किस तरीके की मदद हो आपकी पालन पोषण में? अब आर्थिक मदद तो ये है कि देखिए
हम लोगों में भी बहुत सा ऐसा है कि अलग अलग किस्म के, अलग अलग किस्म के हैं। अब गद्दी वाले लोग, गद्दी जो चलाते हैं वो गद्दी वाले अलग सिस्टम से रहते हैं, जैसा बाहर नहीं निकलना, अपने समाज को अंदर ही रखना, ज़्यादा घूमना नहीं, और हम लोगों को बदनाम करने के लिए बहुत सा ऐसा है जो शहर में घूमते हैं और वो अगर तब ये कहते ये भी किन्नर है, जैसा घूम रहा है ये भी किन्नर है, ये उन्हीं लोग के साथ में, नाम तो हम ही लोग का आता है, मगर हम लोग स्वयं कहते हैं कि तुम लोग हम लोग का पास आ जाओ रहो, वो लोग रहना नहीं चाहते क्योंकि वो लोग को चाहिए आज़ादी। आज़ादी मतलब वो लोग इधर घूमना उधर घूमना, इससे बदनामी भी होते हैं हम लोगों का, और फिर हम लोग जैसा ट्रेन मांग रहे हैं, कोई लाल बत्ती हो जाते उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है जी, वो लोग बदनाम करेंगे। तो ये थी दिव्या जी, और इनका साफ तौर से कहना ये है कि जो सरकारी मदद मिलना चाहिए, हालांकि हम लोगों को मिलती है लेकिन उतनी नहीं मिलती जो मिलना चाहिए। इनका कहना ये है कि हम लोग समाज के लिए कार्य करते हैं लेकिन हम लोगों को फिर भी बदनाम करने की कोशिश की जाती है, जो ख़त्म होना चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए, हम लोगों की जो समाज है वो समाज की तरक्की होना चाहिए। बहरहाल इन्होंने तमाम चीज़ों में भाग लिया, तमाम चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, ये सभी कार्यक्रमों में भाग लेती हैं और आगे लेती रहेंगी। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजी दरमा। खबरों को देखने के लिए जुड़ा